सर्विस में आती है वो आपको लगानी पड़ेगी। अभी अपने एक्टिवा में, एक्टिवा कोई भी गाड़ी हो, अभी अपनी 5G से लेकर 2G 1G जो पुरानी वाली हो उसमें भी ये पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ, तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या सब बहुत अच्छे। तो गाइस, मैंने अपनी इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स लगाए अपने हीरो प्लेजर के, तो वो मैं आज आपको दोनों उसके जो अलॉयस है वो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये अपने अलॉयस है, ठीक है। तो ये पूरा खोल के आपको क्या क्या टूल्स चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगा। पीछे भी आप देख सकते हैं इसमें 6 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स हैं, ठीक है। तो ये मैं पूरा आपको ये दोनों खोल के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको टूल्स कौन से चाहिए होंगे, एक आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है, एक 24 एक और एक 26 नंबर का राउंड पूरा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो पीछे का नट अपना 24 नंबर का है और पीछे का अगर ये स्लिप मार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। स्लिप उनको 24 नंबर का ये पूरा एक गोल चाहिए, ठीक है। साथ में अपन को एक 14 और 15 नंबर का चाहिए। मेरे पास ये आधा है, मतलब आधा मुँह वाला है, तो आप पर आधा मुँह वाला यूज़ नहीं कर, मेरे पास पूरे मुँह वाला भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक 19 नंबर का, ठीक है, 19 और 14 अपने फ्रंट व्हील के चाहिए, और ये जो अपना स्क्रू ड्राइवर वो भी अपने फ्रंट व्हील के चाहिए, ठीक है। सिर्फ पीछे का एक मिडिल का नट खोलने के लिए आपको 24 नंबर का ये पूरा चाहिए, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको चाहिए रहेंगे, तो मैं ये चारों चीज़ आपको दिखा दी है और अभी अपन इसका फ्रंट वाला खोलेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपन लोग को सबसे पहले एक अपना ये स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी। ये चार मुँह वाला इधर देख सकते हैं, चार इसके हेड रहते हैं, चार मुँह वाला, ठीक है। तो अपन को इसको इसके ये खोलना है, तो मैं ये आपके सामने खोल लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने खोल लिया है पूरा, और इसके पीछे ये रहता है, ये गोल वाला आपको इसके यहाँ पे फंसाना है, तभी ये जाके पूरा लगेगा, नहीं तो ये लगता नहीं। और इसका एक ये नट आप देख सकते हैं, ये इसके यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो ये खोलिए, ऐसी सेम आपको वो वाले साइड का भी खोल लेना है। तो वो वाले साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। तो अपन इसको भी खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी अपना पूरा खुल गया है, और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, सिंपल से 40 या 50 रुपीस के ये मिल जाते हैं। तो अभी ये अपना है 14 नंबर का, ठीक है, और यहाँ पे अपना ये 19 नंबर का। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी गाड़ी का फ्रंट व्हील का जो एक्सेल है वो खोलूँगा। उसके लिए अभी जो मैंने इसके अलॉय व्हील्स लगाए थे, तो उसके चक्कर में इसका नट ये राइट साइड में, आप चाहे तो आपकी गाड़ी में लेफ्ट साइड में होगा और मेरी में राइट साइड, क्योंकि मैंने अलॉय व्हील्स लगाए थे। तो चाहे आप इसको लेफ्ट साइड लगा दे चाहे इसको राइट साइड लगा दे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी में ये राइट साइड में, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो अगर ये राइट साइड में, तो फिर ये नीचे की साइड खुलेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस ये लेफ्ट साइड में होता इस साइड में, ठीक है, तो फिर ये ऐसे में खुलता, ठीक है, ऐसे में। अब इसको ये नीचे करता, पर मेरी गाड़ी में राइट साइड में आप देख सकते हैं ये राइट साइड है जहाँ पे इसका साइलेंसर है, ठीक है। तो मैं इसको अभी नीचे की साइड खोलूँगा आप लोग के सामने। तो मैंने पूरा इसको सेट कर लिया और मैंने सामने 14 नंबर का लगाया। आप देख सकते हैं, आपको 15 नंबर इधर दिख रहा होगा। ठीक है, 15 नंबर, और ये इस साइड खुलेगा, तो मैं इसको खोल लेता हूँ आप लोग के सामने। तो आप ये देख सकते हैं, ये 19 नंबर का नट। और ये रहा इसका एक्सेल, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक्सेल आप ये देख सकते हैं। तो अभी इसके यहाँ पे ये लगा होगा, डिस्टेंस बोलते हैं आप अपन इसको, इस साइड ये देख सकते हैं। इसको आपको बहुत संभाल के रखना है, और ये लॉक आपको अपनी जब आप इसका ये खरीदेंगे तो आपको इसी के संग ये रबड़ मिलेगा। तो अभी यहाँ का तो पूरा,
तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका निकल गया, ये फ्रंट का आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये उसका ये स्पीडोमीटर का घुमाने का लगा, ये देख सकते हैं इधर, तो ये पूरा निकल गया। और ये मेरे को कितने का पड़ा था, मेरे को 2200 का पड़ा था। बस मेरे को अंदर इसमें बैरिंग जो मेरे एक्टिवा के थे वो ही मैंने इसमें लगवा दिए हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा दिखेगा तो नहीं साफ, पर आप ये देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, मैंने इसको दिखा दिया आपको निकाल के। और मैं इसको 5 महीने से ज़्यादा हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। और ये ट्यूबलेस लिखा है, और ये हीरो का जेन्युइन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हीरो का इसका यहाँ पे इसमें ये हीरो लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं पूरा। तो ये आपको हीरो प्लेजर प्लस जो भी ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स में आती है वो आपको लगानी पड़ेगी अभी अपने एक्टिवा में। एक्टिवा कोई भी गाड़ी हो, अभी अपने 5G से लेकर 2G 1G जो पुरानी वाली हो उसमें भी ये पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा है अपना, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको मैं फिर से फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद अपन फिर पीछे वाला खोलेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको गड्ढों में चलाया तो मेरे को ऐसा कुछ अभी डिफरेंस नहीं लगेगा आपको चलाते समय, क्योंकि ये 2.5 किलो का है पूरा, एक अलॉय सिर्फ ये वाला अलॉय 2.5 किलो का। और सेम अपना जो रैम है वो भी अपनी 2.5 किलो की है, तो कुछ आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। बस यहाँ से ये अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे में आप ये देख सकते हैं, ऐसे में अलॉय व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और लुक्स के लिए मैंने इसको किया तो मेरे दिमाग में मतलब बहुत टाइम से मेरे को था कि मैं अपने अलॉय व्हील्स लगाऊँ अपनी गाड़ी में, और कोई आपको ऑल्टेशन नहीं करना है आपको, फिर से कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई भी ऑल्टेशन नहीं करना है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको आपका ये फ्रंट व्हील अलॉय पूरा निकाल के दिखा दिया, तो अब इसको वापस लगाते हैं, ठीक है। और ये अपना ये ड्रम सेट है, इसके बीच में अब जैसे कि अपना ये रहा बीच में, ठीक है, इसके बीच अपन को ये वाला फंसाना, और ये क्या फंसाना है इससे आप नीचे कमेंट बॉक्स से मेरे को बताना कि अपन को ये फंसाना है, ठीक है। इसमें तो पहले मैं इसको इसमें फंसा देता हूँ और कैमरे को रखता हूँ साइड में, ठीक है। तो यहाँ से पूरा ये सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फंसाना है इसको, मेरे को पहले फंसाना था, मैं भूल गया। तो आप देख सकते हैं इसको, इसको लेवल में ऐसे करना है और फिर एक्सेल लगा देना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बैठ गया, बस आपको सबको इसके सीधे में रखना है तभी ये बैठेगा, नहीं तो ये कहीं यहाँ से अड़ेगा, कभी यहाँ से अड़ेगा, कभी ये नहीं बैठेगा, कभी ये नहीं, तो कभी यहाँ से दिक्कत है, कभी अंदर नहीं जाएगा, बीच में कहीं अड़ेगा। तो आपको सबको सीधे रखना है और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें 19 नंबर का नट लगा देता हूँ।
तो अभी अपन इसका पीछे वाला नट खोलेंगे, ठीक है। और ये 24 नंबर के से खुल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं 24 नंबर का। तो अभी इसको खोलेंगे, उसके लिए पहले आप अपना जो यहाँ पे ये ब्रेक होता है उसको दबा के इसमें लॉक लगा दीजिए। तो मैंने इसमें लॉक लगा दिया, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ही व्हील नहीं घूम रहा है। तो अभी अपन इसमें 24 नंबर का खोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा खुल गया है, और इसके संग एक ये वाइशर भी रहता है, आप ये देख सकते हैं ये वाइशर है। और इसको निकालते हैं, तो उसके लिए अब मेरे को उसकी गाड़ी झुकानी पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा मेरे हाथ में आ गया, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुरानी ये रिम से टायर निकाल के आपको सिर्फ इसमें ये नए अलॉय में लगा देना। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा ट्यूबलेस है, सामने आप देख सकते हैं ट्यूबलेस लिखा है, और यहाँ पे कहीं इसका हीरो लिखा होगा, ये देख सकते हैं अब यहाँ पर इसका ये हीरो लिखा है। और अगर आप ये दोनों अलॉय लाएंगे तो आपका फिर ब्रेक थोड़े से अच्छे हो जाएंगे 5 से 10%, क्योंकि इसमें नए ये ड्रम आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो मैंने आपको अपनी गाड़ी के दोनों आगे और पीछे के जो मैंने अलॉय व्हील्स लगाए थे वो मैंने आपको सारे खोल के दिखा दिए, और आपको इसमें कोई भी ऑल्टेशन नहीं करना है। और मेरी एक्टिवा 2012 मॉडल है, आप देख सकते हैं इसमें जो इसके स्टिकर लिखा आता था विदाउट HET है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो यही पूरा था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ऑटोमेटिक न्यूज एंड मॉडिफिकेशन लाते रहते हैं। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।